सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को शो करने वाला हूं कि आप यहां पे कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके MIUI 14, MIUI 13, MIUI 13, आप जो भी MIUI वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, आपकी यहां पे बैटरी हेल्थ कितनी चल रही है विदाउट एनी रूट। आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। तो इस वाली वीडियो में सभी स्टेप्स आपको एक बार शो करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले ना, अगर आपको लेटेस्ट MIUI की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाननी है। तो आपको सिंपली अपना सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करना है और उसके बाद अबाउट फोन में जाने के बाद ऑल स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे एक बार आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे CPU का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर सेवरल टाइम्स एक बार यहाँ से टैप कर देना है। और यहाँ से टैप करने के बाद आपको सिंपली एक बार एग्री पे टैप कर देना है। तो एग्री पे टैप करने के बाद आप जब अपना नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे तो आपकी यहाँ से एक बग रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपली इसके हम रिपोर्ट होने का वेट करते हैं और इसके बाद चेकआउट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फिर अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी यहां पे जो बग रिपोर्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। और फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको स्टोरेज के सेक्शन में जाना है। स्टोरेज के सेक्शन में जाने के बाद सिंपली आपको MIUI के फोल्डर में जाना है। MIUI के फोल्डर में जाने के बाद आपको एक ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे चले जाइए। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्टेड जिप फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। तो सिंपली इस वाली फाइल को यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर सिंपली इस वाली फाइल को ओपन करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ से एक और एक जिप फाइल मिलेगी। सिंपली आपको इसको भी यहाँ से एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली आपको ये वाली फाइल ओपन करनी है। और ये वाली फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक TXT की फाइल मिलेगी, जो कि आपकी यहाँ पे WPS एप्लीकेशन या आपके पास जो भी TXT फाइल सपोर्टेड APK है उसमें आपको सिंपली इस वाली फाइल को ओपन कर लेना है। इस वाली फाइल को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है बैटरी कैपेसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी को सर्च कर रहा हूँ। और बैटरी कैपेसिटी को सर्च करने के बाद आपका यहाँ से जो भी बैटरी कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी 3984 mAh की है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली यहाँ से MI कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ओपन करनी है। सिंपली आपको 3984 टाइप करना है और आपके डिवाइस की जो भी यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना Redmi Y3 यूज़ कर रहा हूँ और इसकी यहाँ से टोटल बैटरी कैपेसिटी है 4000 mAh, तो यहाँ पे मेरी इतनी 0.996 मेरा कैलकुलेट हो गया। फिर सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी 99.6% देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बिल्कुल औसम देखने के लिए मिलती है। यानी कि मेरे Redmi Y3 की जो बैटरी है वो अभी भी यहाँ पर अपना 100% दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 99.6 है जो कि अप्रोक्सीमेटली 100% बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आपके कितनी यहाँ पे बैटरी है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला जो डिवाइस है ये मैं खुद यहाँ पे 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैंने इसमें बहुत सारी कस्टम रूम्स को भी फ्लैश किया है, लेकिन जब भी यहाँ पे मेरी बैटरी कैपेसिटी 99.6% देखने के लिए मिल जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो MIUI के ओल्ड डिवाइसेस हैं वो कितने ज़्यादा हमें पावरफुल देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अपनी बैटरी कैपेसिटी कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करके जाना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।